हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल योर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज है क्या 19 जनवरी, और हम बात करने वाले हैं हमारी क्लास सेकंड। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। आपको MPTET वर्ग 3 नाम से सेक्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको वो वाला पार्ट मिल जाएगा। या फिर इसी वीडियो के लास्ट तक आप इसको वॉच करेंगे तो एंड स्क्रीन में आपको वो पार्ट मिल जाएगा, है ना फ्रेंड्स। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना लेती हूँ, हम बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चंस को करते हैं स्टार्ट। लेकिन दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको अभी सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के बाजू में देख रहा होगा बेल आइकन, घंटी के निशान, उसको भी दबा दें, प्रेस कर दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो मिल सके आपको सबसे पहले। और हाँ जी फ्रेंड्स, वीडियो आते ही पसंद तो इसको अधिक से अधिक लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। तो दोस्तों, आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। लास्ट टेस्ट में हमने 100 के समथिंग क्वेश्चन कवर किए थे। क्या है? निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य करने पर व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता। तो दोस्तों, यह कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से खेल पर आधारित विधि है, कौन सी है? केंडर गॉर्टन विधि। नेक्स्ट है, अतिरिक्त शक्ति के चित्रांत का संबंध है किससे है? दोस्तों, खेल से। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन मनोवैज्ञानिक नहीं है? जॉन डीबी। दोस्तों, ये लास्ट ईयर में पूछे गए सारे के सारे क्वेश्चन हैं। यहाँ पर फिर नेक्स्ट क्या है? फाइकोलॉजी फॉर द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट किसकी रचना है? तो दोस्तों, आंसर होगा वॉटसन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आ डिक्शनरी ऑफ फाइकोलॉजी पुस्तक लिखी है किसने? जेम्स ड्रेवन ने। अगला है, वंशानुक्रम का प्रमुख वाहक है? पितृक। नेक्स्ट है, मानव व्यवहार की प्रत्येक विशेषता है क्या है? दोस्तों, वंशानुक्रम व वातावरण का गुणनफल। नेक्स्ट है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन सी है? तो दोस्तों, आंसर हो जाएगा आपका विकासीय विधि। इसी प्रकार से हम जो कुछ भी उसके यहाँ पर दिया है, 9/10 भाग जन्मजात वंशानुक्रम है तथा केवल 1/10 भाग ही अर्जित होता है, यह कथन है किसका है? दोस्तों, जैव वैज्ञानिक पार्कर का। इसी प्रकार से अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है किसमें? दोस्तों, शारीरिक विकास के लिए। नेक्स्ट है, बाल्यावस्था में विकास की छद परिपक्वस्था किसने कहा है? दोस्तों, J.S. रॉस होगा इसका आंसर। इसी प्रकार से किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किसने कहा है? किलपैट्रिक ने। जी हाँ दोस्तों, किलपैट्रिक ने ही किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल बोला है। इसी प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक विकास की गति किस अवस्था में बहुत कम हो जाती है? तो दोस्तों, बाल्यावस्था में शारीरिक विकास की गति बहुत कम हो जाती है। इसी प्रकार से हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्या है? किशोरावस्था की अवधि है 12 से 18 वर्ष। हमारा अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था के 3 वर्षों में बालक का शारीरिक विकास होता है कैसा? तीव्र। नेक्स्ट है, 13 वर्ष की अवस्था तक पहुंचते पहुंचते बालक का कौन सा विकास लगभग पूरा हो जाता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा बौद्धिक विकास। नेक्स्ट है, बाल विकास को सर्वाधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक है? तो दोस्तों, क्या है? खेल का मैदान। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, क्या है? एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सर्वोत्तम है? आंसर होगा, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है। दोस्तों, लास्ट ईयर में ऐसे आए हुए क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छी तरीके से याद रखें। नेक्स्ट है, क्या वैड्यूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, आश्चर्य। नेक्स्ट है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है? चिंतन प्रक्रिया। इसके बाद नेक्स्ट है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है? तो आंसर होगा आपका हरलॉक। नेक्स्ट है, लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं किसके? नैतिक। आंसर है नैतिक। नेक्स्ट है, बालक के शारीरिक व क्रियात्मक विकास की दिशा होती है कैसी?
सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर, है ना। आप याद रख लेना, यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, सिर से पैर तथा शरीर के मध्य से बाहर की ओर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है क्या है? स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंड्रोक्राइन ग्लैंड्स। जी हाँ दोस्तों, इतनी सारी ग्रंथियां और आपका स्नायुमंडल, मांसपेशियां, वृद्धि, ये सभी। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है हमारा, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है, उत्तर बाल्यकाल में। इसी प्रकार से नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? अभिप्रेरणा। नेक्स्ट है, ब्लैंक की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर 8 अथवा 9 वर्ष। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यह परिभाषा दी है क्रो व क्रोन है। दोस्तों बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, मैक्सिमम अभी तक कई बार पूछा गया है, याद रख लेना। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, यदि परिभाषा दी है। यह परिभाषा किसने दी है? क्रो व क्रो ने। नेक्स्ट है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों से, मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग। आंसर हो जाएगा शक्ति और गति। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न होगा, इस अवस्था को मिथ्या पक्वता का समय भी कहा जाता है, किसको? बाल्यावस्था को। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न होगा, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है केवल एक कोष में। चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, किस सिद्धांत के अंतर्गत बालक के शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक आदि पहलुओं का अध्ययन करते हैं? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसी प्रकार से है नेक्स्ट, वाइगोत्स्की के अनुसार समीपस्थ विकास का क्षेत्र है बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ करने वाले कार्य के बीच अंतर। अगला है, मानसिक विकास के पक्ष हैं संवेदना, बुद्धि तथा भाषा। ये सारे मानसिक विकास के क्या हैं? पक्ष हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास की प्रवृत्ति कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी। जी हाँ दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैसी मानी जाती है? विज्ञानमयी। नेक्स्ट है, बाल अध्ययन का पिता कौन है? आंसर हो जाएगा आपका स्टैनले हॉल। क्या है? बाल अध्ययन के पिता। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, बाल विकास की उपयोगिता है क्या है? बाल निर्देशन में, बालकों के स्वभाव को समझने में, बालकों के शिक्षण में। नेक्स्ट है, किसके अनुसार सीखने का आदर्श शैशव अवस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेल्टाइन के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कौन सा संवेग है? तो दोस्तों आपको संवेग बताना है। यहाँ पर आंसर होगा प्रेम, क्रोध और आश्चर्य, ये सारे संवेग हैं। नेक्स्ट है, किसने चरित्र को आदतों का पुंज कहा है? किसने कहा है दोस्तों? सैमुअल ने। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है? क्रो एंड क्रो ने। देखिए डबल बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना फ्रेंड्स। प्रश्न है दोस्तों, समायोजन दूषित होता है कुंठा संघर्ष से, किससे? कुंठा संघर्ष से। दोस्तों बाल विकास और आपके शिक्षा शास्त्र में फ्रेंड्स इसी टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं, जो कि बेहद कंफ्यूज करते हैं, रहते हैं इजी और कॉमन वर्ड, लेकिन एक जैसे चारों विकल्प समझ में आते हैं और हम गलत कर कर आ जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर छात्रों पर क्रोध का सदुपयोग किया जा सकता है आलस्य को भगाने में, दृढ़ प्रतिज्ञा करने में, बाधाओं को पार करने में। अगला प्रश्न होगा, क्या बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोस्तों आपको भाग बताने हैं, कितने भागों में बाल विकास को बांटा गया है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4।
और इसी प्रकार से नेक्स्ट है बाल अवस्था में व्यक्तित्व होता है कैसा, बहिर्मुखी। अगला होगा पूर्व बाल अवस्था की विशेषता क्या है, जिज्ञासा, खिलौनों में रुचि, नवीन पद्धतियां। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है किस अवस्था में काम प्रवृत्ति निम्न स्तर पर होती है, इसका आंसर हो जाएगा बाल्यावस्था में। फिर नेक्स्ट है किशोर अवस्था को शैशव अवस्था का पुनर्वर्तन किसने कहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जोन्स ने। नेक्स्ट है कोहबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है, तो दोस्तों कोहबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्रश्न होगा अगला क्या उत्तर बाल्यावस्था की विशेषता है, क्या है दोस्तों, आत्मनिर्भर होना, मित्र मंडली या समूह निर्माण, स्वतंत्र होना। इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न है शैक्षिक दृष्टि से बाल विकास की अवस्था है किशोर अवस्था, बाल्यावस्था और शैशव अवस्था। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा नेक्स्ट है अगला बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक है, क्या है दोस्तों, कारक खेलकूद का मैदान। अगला है 6 से 10 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशेषता है क्या है, बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा वाइगोत्स्की के द्वारा प्रस्तावित विकास तथा अधिगम के बीच संबंध का सर्वश्रेष्ठ रूप में सार प्रस्तुत करता है, आंसर हो जाएगा विकास प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है क्या 4-5 शब्दों के सरल वाक्य बोलने की लगभग अवस्था है, क्या है दोस्तों, 3 वर्ष तक। इसी प्रकार से नेक्स्ट है मानसिक विकास के दृष्टिकोण से जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है कौन सा है, शैशव काल। नेक्स्ट है गर्भस्थ शिशु में सांस लेने की प्रक्रिया किस सप्ताह से शुरू होती है, 16वें सप्ताह से। नेक्स्ट है ज्ञान इंद्रियों के विश्राम की अवस्था मानी गई है जन्म के 2 माह बाद। इसी प्रकार से नेक्स्ट है विवेचना रहित विचार की अवस्था मानी गई है 4 से 7 वर्ष तक। नेक्स्ट है बाल्यावस्था प्रति द्वंद्वात्मक समाजीकरण है, यह कथन कहा है किसने, किल पैट्रिक ने। अगला है प्राह बालक चलना किस वर्ष की अवस्था में सीख लेता है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा गया है, यहाँ पे जी मंथ होगा डिफरेंस यार करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट है एक बालक किसी को देखकर विचार करता है कि मैंने इसे कहीं देखा है, वह कौन सी अवस्था है, अर्ध चेतन की अवस्था है दोस्तों, है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है डियर फ्रेंड्स बालक श्रेष्ठ आचरण से बुराइयों की ओर लौटता है, बालक पर मन के किस भाग का प्रभाव है, एदम। नेक्स्ट होगा बालक में सर्वप्रथम भय क्रोध तथा प्रेम के संवेग विकसित होते हैं, कथन है किसका है दोस्तों, वॉटसन का। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा विलियम हेली, है ना, विलियम हेली के द्वारा प्रथम बाल निर्देशन केंद्र खोला गया था। अगला प्रश्न है किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है, तो दोस्तों एड्रिनल ग्लैंड या फिर अधिवृक्क ग्रंथि। नेक्स्ट है शब्द आइडेंटिकल एलिमेंट्स समान तत्व निम्न में से या निम्न में से संबंध रखता है, तो दोस्तों किससे रखता है, अधिगम स्थानांतरण से, इसका आंसर हो जाएगा अधिगम स्थानांतरण, याद रख लेना वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है। नेक्स्ट बालक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए, बेहद इंपॉर्टेंट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आंसर हो जाएगा शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझ कर देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पीएससी में सी सेट में तक आ जाते हैं। नेक्स्ट है क्या है छोटा शिशु खिलौने तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके किस भाव को दर्शाता है, इसका आंसर हो जाएगा
जिज्ञासा प्रवृत्ति। जी हाँ दोस्तों, जिज्ञासा प्रवृत्ति इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है, क्या है स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है? किसको कहा जाता है डियर फ्रेंड्स? बाल्यावस्था को ही स्फूर्ति अवस्था कहा जाता है। प्रतिबिंब अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है किसमें? विचारात्मक प्रक्रिया में। नेक्स्ट होगा संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है किस पे? विद्यार्थियों के द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना को यह जोर देता है। नेक्स्ट है वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है, किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा रॉस। रॉस के अनुसार वातावरण वह शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। अगला हो जाएगा बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होने वाला है अल्फ्रेड बिने, बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्मदाता है। नेक्स्ट है संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसका है? आंसर होगा मानसिक विकास है। ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका है दोस्तों? संवेगात्मक विकास का। हमारा अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन का फाइंड चुनना है, ऐसा ऑप्शन आएगा तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकास रेखीय होता है। नेक्स्ट है और लास्ट आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन क्या है, तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। आंसर क्या है 11 वर्ष तक। ओके ऐसा ब्लैंक है, इसमें आपको 11 वर्ष फिल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसको अभी सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत।